जासूसी कांड में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को केस दर्ज करने की दी मंजूरी। सिसोदिया बोले, झूठे केस करना कमजोर और कायर इंसान की निशानी। लोक गायिका नेहा राठौर को नोटिस भेजने पर अखिलेश यादव हमलावर। ट्वीट कर लिखा, यूपी में झूठे केसेस की बार। कानपुर अग्निकांड पर गाना बनाने पर यूपी पुलिस ने भेदभाव फैलाने का लगाया आरोप। ईसी के फैसले के खिलाफ आज उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोपहर 3:30 बजे सुनवाई। शिंदे गुट को शिवसेना नाम और निशान आवंटित करने के आदेश को चुनौती दी गई है। मध्य प्रदेश में बागेश्वर और कुबेश्वर धाम नई मुसीबत में फंसे। मानवाधिकार आयोग ने दोनों को भेजा नोटिस। डीएमएसपी से मांगी रिपोर्ट। बागेश्वर धाम में एक बच्ची की मौत और कुबेश्वर धाम में महिला की पिटाई का लिया संज्ञान। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिनों में 3 राज्यों का करेंगे तूफानी दौरा। आज से कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार के दौरे पर रहेंगे। 2 महीने की खींचतान के बाद आज दिल्ली को मिल सकता है नया मेयर। थोड़ी देर बाद चुनाव। आम आदमी पार्टी से शैली ओबेरॉय और बीजेपी से रेखा गुप्ता मैदान में।